K-pop इंडस्ट्री आजकल काफ़ी एक्सपेंड हो रही है और ऐसे में जहां इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां अच्छी खबरों के बीच में कुछ बुरी खबरें भी हमारे सामने आती रहती हैं। जैसे कि रिसेंटली हमारे सामने एक खबर आई जहां पर पता चला कि K-pop एक्ट्रेस पार्क सियोरुन अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और रिसेंटली उनके फ्यूनरल की काफ़ी सारी चीज़ों को परफॉर्म भी किया गया था। लेकिन ऐसे में बहुत ही सारे K-pop फैंस का ये सवाल था कि क्या उनकी सेरेमनी में यानी उनकी डेथ सेरेमनी में K-pop के बाकी आइडल्स और एक्टर एक्ट्रेसेस प्रेजेंट थे या फिर नहीं, जिसमें सबसे बड़ा नाम BTS और ब्लैकपिंक के मेंबर्स का ही था। तो आखिर BTS और ब्लैकपिंक के मेंबर्स का क्या रिएक्शन रहा पार्क सियोरुन की डेथ को लेकर, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो कल अपनी वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि के ड्रामा की एक एक्ट्रेस पार्क सियोरुन की रिसेंटली डेथ हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। हालांकि दोस्तों इनका BTS और ब्लैकपिंक से इसलिए कनेक्शन है क्योंकि ये एक्ट्रेस ब्लैकपिंक के मेंबर जिसो के डेब्यू के ड्रामा में ऑलरेडी उनके साथ एक रोल कर चुकी हैं, जहां पर जिसो ने अपना डेब्यू किया था उस के ड्रामा का नाम था स्नोड्रॉप और इसीलिए इनकी और जिसो की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। इनडायरेक्टली ये K-pop के बाकी आइडल से भी कनेक्टेड थी क्योंकि उनसे इनकी दोस्ती थी। ऐसे में काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या BTS और ब्लैकपिंक के मेंबर इनके अंतिम संस्कार की विधि में पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे। हालांकि दोस्तों इस सवाल पर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो पार्क सियोरुन की अंतिम संस्कार की कोई भी फोटोज और वीडियोस इस तरीके से रिलीज नहीं की गई हैं और कॉमन सी बात है किसी के भी फ्यूनरल की वीडियोस को इस तरीके से रिलीज किया भी नहीं जाता, क्योंकि इससे जस्ट पहले जब K-pop आइडल एस्ट्रो के मेंबर मूनबिन इस दुनिया से चले गए थे तब भी उनके अंतिम संस्कार की कोई भी फोटो इस तरीके से रिलीज नहीं करी गई थी। हालांकि दोस्तों रही बात ब्लैकपिंक की, तो हो सकता है कि मेंबर जिसो उनको जाकर विजिट करके आई हो क्योंकि जिसो के साथ वो ऑलरेडी एक के ड्रामा में थी। लेकिन BTS का उनके अंतिम संस्कार में जाना काफ़ी रेयर है क्योंकि दोस्तों वैसे ही BTS काफ़ी बिजी हैं और BTS के सभी मेंबर्स यहाँ वहाँ गए हुए हैं, इसीलिए वो साथ में तो कहीं जा नहीं सकते। साथ ही साथ दोस्तों BTS ने अपनी वेल विशेस उनके लिए ज़रूर भेजी होंगी, लेकिन वहाँ पर फिजिकली गए होंगे या नहीं इस पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पार्क सियोरुन BTS से डायरेक्टली किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं थी और वैसे भी हमसे जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता उसके अंतिम संस्कार में डायरेक्टली जा पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। BTS के मेंबर्स वैसे ही ज़्यादा इवेंट्स में नहीं जा पाते। इवन बात करें एस्ट्रो के मेंबर मूनबिन की, तो उनके अंतिम संस्कार में भी BTS के मेंबर गए थे या फिर नहीं गए थे ये न्यूज़ भी हमें पता नहीं चल पाई थी, जबकि मूनबिन तो जंगकुक और बाकी BTS के मेंबर्स के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, तो यहाँ पर बात तो काफ़ी दूर किया जाती है। लेकिन BTS के मेंबर्स वहाँ गए हों या फिर ना गए हों, पार्क सियोरुन की डेथ पर उन्होंने अपना शोक जाहिर ज़रूर किया होगा क्योंकि फिलहाल तो किसी भी BTS मेंबर ने इस इशू के ऊपर डायरेक्टली अपना कोई भी रिस्पॉन्स जाहिर नहीं किया है। तो आर्मीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका वीडियो को लेकर क्या कहना है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।